हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन सी सब्जी से नफरत है तो वो टिंडे ही हैं। टिंडों से मुझे सख्त नफरत है, लेकिन गर्मियों के टाइम में सब्जियां ही ऐसी आती है कि क्या करें, इन्हीं को ही पसंद करवाना पड़ता है, ऐसा होता है ना। तो फिर इस रेसिपी में मैंने एक खास मसाला यूज़ किया है और थोड़ी कुकिंग टेक्निक्स यूज़ करी है, जिस वजह से टिंडे का स्वाद बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप इसको ट्राई जरूर करके देखें। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टिंडे लिए हैं और जो ये टिंडे हैं आपको बेसिकली इनको अच्छे से धो के साफ करके रखना और इनको छिलना है। आप तो मैं ऐसे पीलर से इनको छिल लेता हूँ और छिलने के बाद अब इनको हम थोड़े से बड़े बड़े पीसेज में काटेंगे। ऐसे नहीं कि एकदम छोटे पीसेज में काटेंगे, थोड़े से बड़े पीसेज में ही काटेंगे। तो मैंने हाफ किया है एक टिंडे को और उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप मीडियम साइज वाले टिंडे यूज करना, एकदम छोटे मत करना, बहुत बड़े भी मत करना, मीडियम साइज वाले करना, वो एकदम परफेक्ट बनते हैं इसके लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए होंगे दो प्याज, यानी कि आधा किलो टिंडे के लिए आपको दो प्याज चाहिए होंगे और प्याज को आपको एकदम फाइनली चॉप करना है, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पर मैंने साथ साथ और भी चीजें लिए हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और हल्दी पाउडर, लेकिन एक मसाला खास लिया है मैंने जो यहाँ पर इसका टेस्ट बहुत ज्यादा इन्हांस कर देगा, वो है मैगी मसाला। इमेजिन यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर खड़ा जीरा लिया है और मेथी दाना। जी हाँ, ये लेना बहुत जरूरी है, इससे टेस्ट बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाएगा। ये तो हो गई सारी चीजें और अब सब चीजें तैयार हो चुकी है, तो टाइम हो गया है सब्जी को पकाने का। यहाँ पर मैंने सब्जी को कुकर में बनाया है, जी हाँ, ताकि टिंडे एकदम गल जाए और मुंह में जाए और घुल जाए और मसालों की वजह से टेस्ट तो बहुत बढ़िया आएगा ही। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल। पहले आप गैस को एकदम हाई फ्लेम पे रखना ताकि सरसों के तेल से अच्छे से धुआं निकलने लग जाए। जब धुआं निकलने लग जाएगा फिर आप गैस को बंद करना और जब तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आपने यहाँ पर कुकिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है जीरा। यहाँ पर अभी मेथी दाना बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर आप वो डालोगे तो वो जल भी सकता है, उसकी वजह से इसका टेस्ट कड़वाहट में आ जाएगा। तो अभी मेथी दाना नहीं डालना, अभी सिर्फ जीरा डालना है और हींग, ये आप यहाँ पर डालना। उसके बाद यहाँ पर आपने डालने हैं प्याज और प्याज को हमें यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करना है। बेसिकली उनका जो शुगर है, प्याज का जो मीठापन है, वो अच्छे से निखार के लाना है। तो आप यहाँ पर प्याज को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भुनना ताकि उनमें कलर बढ़िया सा आ जाए। बस इस स्टेज तक, यहाँ तक आपको प्याज को भुनना है। आप देख सकते हो कि अभी प्याज ब्राउन होने शुरू नहीं हुए हैं, हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, हल्के से ट्रांसलूसेंट से थोड़े और ऊपर कह सकते हो आप। तो ये एकदम राइट स्टेज है कि यहाँ पर आपको टिंडे डालने हैं। तो आप यहाँ पर टिंडे डालना, उनको थोड़ा सा भुनना शुरू करना प्याज के साथ, और यही बिल्कुल सही टाइम है अदरक लहसुन का पेस्ट डालने का, तो वो भी आप यहाँ पर डाल देना। डोंट वरी, प्याज और ब्राउन हो जाएंगे पर टिंडे भी थोड़े से भुन जाएंगे आप अगर ऐसे पकाओगे तो। अगर आप कुकर में पका रहे हो तो इसको स्टर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे चिपकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस ये राइट स्टेज है, इस स्टेज पे आपने यहाँ पर डालना है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना और धनिया पाउडर। अब यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू करनी है ताकि इनके जो मसालों का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया है। तो अब आपने यहाँ पर मसालों के साथ अच्छे से भुनना है। ध्यान रहे, मैंने अभी यहाँ पर अमचूर पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि अमचूर पाउडर जलता जल्दी है, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं डाला, क्योंकि हम यहाँ पर भुनाई कर रहे हैं ना। फिर आपने यहाँ पर डालना है नमक। तो अब आप यहाँ पर इसको थोड़ी देर तक भुनना, लगभग 2-3 मिनट तक आपने भुनना है। फिर आपने यहाँ पर डालना है अमचूर पाउडर, थोड़ा सा अब यहाँ पर पानी डालेंगे ताकि ऐसा ना हो कि जब हम विसल दें, जब सीटी दे कुकर की, भैया नीचे चिपक ना जाए। तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ही डालना ताकि चिपकने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहे। और बस अब आपको यहाँ पर एक विसल देनी है, एक विसल में ही टिंडे बहुत बढ़िया तरीके से गल जाएंगे, बहुत ही सही बनेंगे। और अब ये देखो आप, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से टिंडे पक चुके हैं। अब हमने लास्ट की चीज यहाँ पर डालनी है, वो है हमारा मैगी मसाला। इमेजिन ये आपने यहाँ पर डालना है, एक पूरा पैकेट मैंने यहाँ पर डाला है। मैगी ने यहाँ पर 10 मसालों का ऐसा स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया है जो सच में टिंडे का स्वाद बहुत ही ज्यादा इन्हांस कर देता है।
आप इसको ऐसे ट्राई जरूर करके देखें। मैगी मसाला है मैजिक के साथ, मैंने यहाँ पर धनिया भी डाला है फ्रेश, इसको अच्छे से आप स्टर कर लेना। अब आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ग्रेवी वाला है, तो इसका थोड़ा सा पानी रिड्यूस कर लेते हैं। थोड़ी देर आपने पकाना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना कि ज़्यादा स्टर मत करना, क्योंकि ज़्यादा स्टर करोगे ठंडे टूटने लग जाएंगे। ताकि इनकी शेप रिटेन रहे, तो इसलिए ज़्यादा स्टर मत करना। और ये तैयार हो गई है आपकी टिंडे की स्पेशल रेसिपी। अब यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली गरम मसाले की बजाय मैगी का मसाला है मैजिक यूज़ किया है, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और जब ये प्रेशर कुकर में जो टिंडे बने हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए खाने में बहुत चटपटे, बहुत ही मसालेदार, बढ़िया लगते हैं। तो आप ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखना। मुझे पता है कि इस वीडियो को बना के फिर थम्सअप करने ज़रूर आओगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।